फ्रेंड्स, ये है बेस्ट DIY जो कि आपकी स्किन को ना फ्लॉलेस बनाए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ दही फेशियल। कर्ड से हम फेशियल मसाज करेंगे अपने पूरे चेहरे पे और इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग एंड ऑसम आता है फ्रेंड्स। तो गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, हमारे स्किन में हम बहुत सारी चीजें करते हैं और घरेलू चीजों का आप बहुत ज्यादा उपयोग करिए तो इससे हमारी स्किन हेल्दी भी होती है और ब्राइटर भी होती है। स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा टाइटन भी होती है एंड बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लगती है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए किस तरह से मैंने बेनिफिट्स बताए हैं दही के फेशियल करने के, और ये पूरा लाइव करके आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी देखिए मैंने फेस पे थोड़ा सा पाउडर एंड ऑल लगाई है, तो सबसे पहले ना अपने फेस को मैं क्लीन करूंगी अच्छे से और हेयर को अच्छे से टाई कर लूंगी और उसके बाद हम ये कर्ड फेशियल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बालों को ऊपर कोम कर लेते हैं। तो पूरा बैंड का यूज जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपका जो चेहरा है ना उसे बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्लीन करना है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर लिया है और टिश्यू पेपर से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूंगी सबसे पहले। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, हमारे फेस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए जब भी हम कोई भी नेचुरल चीजें यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पाउडर वगैरह का यूज किया था, तो फिर मैं इसे सबसे पहले क्लीन करूंगी। आप चाहे तो फेस वॉश भी कर लीजिए। ठीक है, कर सकते हैं वैसे तो फेस वॉश करके। तो ये पूरा जो कारा का टिश्यू है ये पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे जो भी है वो रिमूव कर देता है। ये बहुत ही अच्छा एंड अमेजिंग है। तो मैं इसे काफी टाइम से यूज करती हूँ। तो अपने नेक को और अपने फेस को हमें अच्छे से इसे क्लीन करना है। ठीक है, फेस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने क्लीन कर लिया है। तो सारे के सारे देखिए ये डर्ट एंड इम्प्यूरिटीज जो भी होती है उसे बाहर निकल जाती है ना। अब जो सबसे पहला स्टेप है इसे थोड़ा सा टैप कर लेते हैं अच्छे से फेस को ताकि ये ड्राई हो जाए अब हम जो सबसे पहला स्टेप है सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको अपने फेस को क्लींजिंग करना है। वैसे तो हम क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज करते ही रहते हैं बाकी के टाइम पे, बट जब आप फेशियल करेंगे दही वाला फेशियल कर्ड फेशियल उसके लिए आपको लेना होता है कच्चा दूध। तो यहाँ पे मैं कच्चे दूध से आप अपने फेस को अच्छे से मसाज करूंगी। तो यहाँ पे एक खाली बोल ले लीजिए आप, इसमें 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग कच्चा दूध रॉ मिल्क आप ले लीजिए और अपने फेस पे ना इसे अच्छी तरह से लगाते हुए मसाज करिए। तो ये जो क्लींजिंग है ना बहुत ही अच्छी तरह से करता है कच्चा दूध, बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। कच्चे दूध से हमारी स्किन टाइट भी होती है और क्लींजिंग के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि दही जो है वो कर्ड है, मतलब उसमें ना लैक्टिक एसिड पाया जाता है, हमारे स्किन को बहुत ज्यादा इनहेंस करती है ना। देखिए कच्चा दूध लगाते ही आपके फेस पे इतनी अच्छी चमक आ जाती है ना। बस आपको इसे अच्छे से अप्लाई करना है, अपने हाथों पे इसे ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से मसाज करते हुए क्लींस कर लीजिए। बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, जैसे मैं बता रही हूं बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं ये अपने नेक को है वो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, इसे भी अच्छी तरह से मसाज करते हुए इसे रिमूव कर। अब हम क्या करेंगे, एक साफ टाल लेंगे। वीडियो काफी लंबी होगी, प्लीज जरा अच्छे से देखिए, अब मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। तो इस एक साफ टाल लेंगे, तो मैं यहाँ एक क्लीन टॉवल ले लेती हूँ, मैं लेकर नहीं बैठी, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे एक साफ रुमाल लेना है और इसे हमें क्लीन कर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके जो मैल होती है ना कच्चा दूध ये बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव कर देता है। बिलीव मी गाइस, ये इतना अच्छा है ना कि मैं इसे हमेशा यूज करती हूँ। थोड़ी लाइट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखिए
जितनी बाकी की जो डर्ट है ना वो यहाँ आ गई है ना। तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आप लोग जरूर करना, आपकी स्किन जो है ना बहुत ही अमेजिंग लगेगी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना दही, हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है दही फेशियल, तो मैं इसे लेने वाली हूँ। दही आप एकदम चिल्ड वाली लेना, जो फ्रिज से निकाल के एकदम चिल्ड दही। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग में दही लेने वाली हूँ और पूरा अच्छी तरह से इसमें फेस पे अप्लाई करूंगी। और उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ हनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हनी लिया है 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग हनी, और इन दोनों को ना हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो ये देखिए हनी, और अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा दही और हनी ऐड किया है इसलिए मैंने, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा स्किन को, है ना, और बहुत ही अच्छी चमक भी आ जाती है फेस पे। तो ये एक मेन है मेरा कि मैं इसमें हनी ऐड करी, तो हनी जरूर ऐड करिए। अगर आप हनी नहीं ऐड करना चाहते तो वैसे भी, तो आपको दही लेना है, अच्छे से हनी लगाना है और इसे अपने फेस पे पूरा अप्लाई करना है। कर्ड्स है ना, आपकी इम्प्यूरिटीज, डॉट, डल स्किन जो होती है वो निकल जाती है, पिंपल्स के जो दाग पड़े होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से देखिए आप हमें इसे अपने हाथों पे लेके इसे अप्लाई करना है और बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे मसाज करना है आपको दही का, ठीक है। तो कम से कम इसे 4 से 5 मिनट तक आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने फेस पे इसका मसाज करिए, और उसके बाद में आप ठंडे पानी से इसका इसे फेस पे, आई मीन दैट मीन्स आपको वॉश करना है फेस, आपको ठंडे पानी से ही धोना है। एकदम चिल्ड चिल्ड दही है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी लग रही है ये देखिए, और इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ना आप देखेंगे। तो फेशियल के स्टेप्स में बता देती हूँ आपको दही वाले। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आपको लेके जाना है, आप अपने 3 फिंगर ऐसे 3 फिंगर्स का यूज करिए इस तरह से, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, फिर यहां से इस तरफ 3 फिंगर अपसाइड अपवर्ड डायरेक्शन में आपको इस तरह से मसाज देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, फिर यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे 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 इस तरह से आपको मसाज करना है, ठीक है। आपकी जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है ना, तो इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो बहुत ही अच्छा काम करता है एंड आपकी स्किन बहुत ज्यादा चमकदार हो जाएगी। तो मैं इसका पूरा अच्छी तरह से इसे यू नो फेशियल कर लेती हूँ और आपको रिजल्ट दिखाती हूँ आगे। लैक्टिक एसिड होता है ना दही में, हल्की सी चुनचुनाहट होती है, ये बहुत ही अच्छा से एकदम स्किन जो है और टाइट भी कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है, अगर आपको सन टैन की भी प्रॉब्लम है तो इसे हफ्ते में 2 से 3 बार आप जरूर करिए। इससे दही का ही फेशियल आप कर लोगे ना तो आपकी पूरी स्किन की जो मैल, गंदगी, डर्ट, इम्प्यूरिटीज है वो सब निकल जाती है। और इसके बाद में इसमें ऐड करने वाली हूँ कॉफी। कॉफी से हमारी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है, तो वे बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट है ये सारी चीजें, और कॉफी का भी बहुत ही अच्छा यू नो फेस पे हमारे ग्लो आ जाएगा। तो मैं कॉफी ऐड करने वाली हूँ इसमें, सो कॉफी का मैं आप लोगों को पूरा फेशियल करके दिखाती हूँ दही के साथ में, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है कॉफी, और कॉफी को भी मैं 1 टेबल स्पून लेने वाली हूँ। देखिए कॉफी मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे दही, और इसके अंदर इसे मैं मिक्स करूंगी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। और कॉफी की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है सीरियसली, और इसे मैं अब सेकेंड राउंड में है अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। सो कॉफी बंद कर देती हूँ, अदरवाइज ये खराब हो जाती है ना। तो देखिए, और ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छा है, बाकी के लोगों को भी बताइए अगर आपको गर्मियों में ये सारी चीजों का प्रॉब्लम होता है ना, जैसे सन टैन तो होता ही है। तो देखिए यहाँ पे मैं
दही में कॉफी ऐड करके लगा रही हूँ अपने फेस पे। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे लगा लेना है आपको। देखिए ये बहुत ज्यादा अच्छा एंड ग्लो करेगा हमारा फेस जब हम इसे मसाज करेंगे। तो इसे मैं मसाज करने वाली हूँ कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। वाओ अमेजिंग। आपको अगर डार्क सर्कल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो दही जरूर ऐड करिए इसमें, या फिर आप मलाई ऐड करके यूज करिए अपने डार्क सर्कल पे, तब ये बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। सीरियसली बिलीव मी, डार्क सर्कल की तो सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वैसे तो, कितना छुपाएंगे हम यू नो कॉस्मेटिक लगा के, बट नेचुरल चीजों पर आप अगर काम करेंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बिलीव मी गाइज। अब मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूंगी सूखने के लिए। इसे अब मैं इसे थोड़ा ड्राई होने दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसे वॉश करूंगी अपने चेहरे को अच्छी तरह से। फ्रेंड्स मैंने अपने चेहरे को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है फ्रेंड्स। आप इसे जरूर ट्राई करना और बाकी के लोगों के साथ इसे शेयर करना ताकि बाकी के लोग भी इसका लाभ ले सके। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मैं बहुत सारे ऐसे यूजफुल DIY और होम रेमेडीज आप लोगों के लिए लेकर आते रहूंगी। चलिए मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।